फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फर्स्ट बाइट में और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। मेरठ के शास्त्री नगर में करीब 2.5 करोड़ रुपए के प्लॉट पर कब्जे के प्रयास ने तूल पकड़ लिया है। दान में दिए गए इस प्लॉट में भगवान शिव का मंदिर था, कई पेड़ थे, लेकिन लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मंदिर की बुर्ज तोड़ दी गई और पेड़ भी काट दिए गए। इतना ही नहीं, इस जमीन का सौदा सम्राट स्वीट्स गढ़ रोड से कर दिया गया। मंदिर की बुर्ज जिस तरह तोड़ी जा रही थी, किसी ने वीडियो बना ली। आरोप है कि उसे सम्राट स्वीट्स के मालिक व स्टाफ ने धमकाया, लेकिन बावजूद इसके वे वायरल हो गई। हिंदू संगठन विशेषतः भाजपा से जुड़े लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने दान स्वरूप दी गई जमीन पर बने मंदिर को तोड़ने व जमीन को बेचने का विरोध करते हुए हंगामा किया। दान की गई जमीन पर गृहकर लगवाने में नगर निगम मेरठ के कर निरीक्षकों की भूमिका भी आरोपों के घेरे में है। दरअसल सार्वजनिक मंदिर पर नियमित गृह कर लगता नहीं है, लेकिन आपसी मिली भगत कर इसे लगा दिया गया। मामला उजागर व हंगामा होने पर इसे निरस्त भी किया गया। करीब एक सप्ताह से चला आ रहा यह विवाद अब तूल पकड़ चुका है। आज डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय पर भाजपाइयों व स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। इस विवादित स्थल पर जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, पर कब्जे के प्रयास ने कानून व्यवस्था के लिए नए परेशानी खड़ी कर दी है। दरअसल नानू सिंह सैनी ने अपनी माता स्वर्गीय रूपी देवी की स्मृति में शास्त्री नगर नई सड़क पर यह जमीन दान की थी। इस जमीन पर शिव मंदिर है। मंदिर की प्रमाणिकता के कई सबूत हैं। अधिग्रहण के दौरान आवास विकास परिषद ने भी मंदिर होने के कारण इस जगह को छोड़ा था। साथ ही आसपास के सभी प्लॉट की रजिस्ट्री में यह मंदिर अंकित है। नानू सिंह के दो बेटे हुए घनश्याम सैनी व योगेश राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी के निधन के बाद उनके पुत्र योगेश सैनी ने वसीयत पेश कर इस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया। यह जमीन गढ़ रोड स्थित सम्राट स्वीट्स के मालिक मिथिलेश शर्मा के पुत्र मुकुल व विवेक के नाम 25 जनवरी को रजिस्टर कर दी गई। इससे पहले दूसरा पक्ष रजिस्ट्री कार्यालय में इस जगह मंदिर होने व विवादित होने के कारण रजिस्ट्री न होने पाए इस आशय का प्रार्थना पत्र लगा चुका था, बावजूद इसके रजिस्ट्री हो गई। इसे लेकर आज संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता, भाजपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष करुणेश नंदन गर्ग की अगुवाई में रजिस्ट्रार कार्यालय में हंगामा हुआ। कारण यही था कि पूर्व में दी गई सूचना के बावजूद इसके रजिस्ट्री कैसे हो गई। इससे पूर्व 1 फरवरी को मंदिर मामले को लेकर नई सड़क पर खूब हंगामा हुआ। भाजपा से जुड़े लोगों ने सीधा आरोप नौचंदी थाना अध्यक्ष संजय वर्मा पर लगाया कि पैसा लेकर मंदिर तुड़वाया गया है। यहां इसे लेकर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ नेता विनीत शारदा की तीखी नोकझोंक हुई और तमाम पुलिस सिर झुकाए सब सुनती रही। गंगवार जी इधर आइए, आगे आइए, पहले आ आ आ आ समझ नहीं आया, पागल हो गया मैं क्या हूँ? मैं आपसे क्या मैं करूँ? मुझे बताइए क्या मैटर है आपके लिए बोल रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी आपको? ये कोई मुस्लिम का एरिया है, ये कोई हिंदू का एरिया है? यह मंदिर क्यों, मंदिर से मंदिर क्यों टूट गया? उसके ऊपर की वो मुझे दिखाई फोटो, ये देखिए, ये क्यों हट गया यहाँ से? आप लोग क्या कर रहे हैं? बुर्ची कैसे हट गई? तस्वीरें कैसे हट गई? ये भी तोड़ दिया मुझे दोस्त मेरे बेबी, रात ये भी तोड़ दिया सारा। आज ऐसे मौजूद लोगों को धरने पर क्यों बैठना पड़ गया? ये सर मुलायम सिंह की सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार है, ये धरने धन्यवाद हमारे लोगों को धरने बैठना पड़ेगा? समझ में नहीं आता आप लोगों के मजाक बना रखा है बिल्कुल ही। मैं देखो कोई भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहता, गलत शब्द बोलने से वह मतलब की बात बढ़ेगी। मुझे अभी के अभी वो गिरफ्तार चाहिए, मंदिर का ताला खुला चाहिए, मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होनी चाहिए, मूर्ति हटा दी, मूर्ति गिरफ्तार करिए, मंदिर ताला खुलवाइए,
मंदिर खुलवाइए, अभी मंदिर का ताला खुलवाइए, वहाँ बाबा मूर्ति रखवाइए। ताला खुलवाओ ना, मैं मूर्ति रखवाइए, आप ताला खुलवाओ अभी, मैं मूर्ति लाइए, मूर्ति रखवाइए, मूर्ति मंगवा रहे, मूर्ति ला भाई, मूर्ति ला, मूर्ति मंगाइए, मैं रखता हूँ मूर्ति, हम रखते हैं मूर्ति, ठीक है। परिसर में योगेश सैनी द्वारा ताला लटका दिया गया था। विनीत शारदा ने पुलिस से ताला खुलवाने व वहां मूर्ति रखने को कहा। कानूनी रूप से ऐसा करने में पुलिस के हाथ बंधे थे, लिहाजा उसने चुपचाप खड़े रहना बेहतर समझा और मंदिर परिसर का ताला खुल गया। मूर्ति भी स्थापित हो गई और रोजाना पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। योगेश सैनी, मुकुल शर्मा, विवेक शर्मा व 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। पुलिस इन्हें लेकर थाने आई और कुछ देर बाद इन्हें भेज दिया गया। इस बारे में भाजपा नेता नीरज त्यागी का यह कहना है, भूमाफिया द्वारा इस मंदिर को नष्ट करके इस भूमि को बेचने का प्रयास किया गया, जबकि पूर्व में ही सबको लोगों को जानकारी थी कि यह जमीन मंदिर की है, लेकिन उसको आवासीय बताकर बेचने का प्रयास किया गया। इसमें हम लोगों ने संघर्ष करने का निर्णय लिया है और मंदिर को भव्य रूप धारण कराएंगे, इस संकल्प के साथ हम लोग सब उतरे हैं। हम किसी भी क्षेत्र में, राजनीतिक दल में हो सकते हैं, किसी संगठन में हो सकते हैं, लेकिन हिंदू होने के नाते मेरा और सारे समाज का यह दायित्व है कि हम वहाँ पर एक पुनः भव्य मंदिर का निर्माण करें और उसी भव्य रूप को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, झोली फैलाकर उसके लिए धन भी इकट्ठा करेंगे और आस्था के इस केंद्र को हम पूरे मेरठ महानगर का आस्था केंद्र बनाकर मानेंगे। इसने मुझे 2019 में 28 सितंबर को हटा दिया था, यहाँ से मेरा सामान भार करके हटा दिया था, कहा था कि मैं यहाँ पे नव मंदिर का निर्माण करूँगा, मगर इसने ये ज़मीन जो है लगता है कि बेचने की कोशिश की। मुझसे पहले यहाँ पे एक पंडित थे टीकाराम जी, वो 12 साल लेके गए हैं, उससे पहले पता नहीं कितने पंडित थे, लास्ट पंडित यहाँ पे मैं आया था। तो मैडम, मैं 2012 में आया था और 2019 को इसने मुझे 28 सितंबर को हटा दिया यहाँ से जी। तो आप कुछ बताइए इस घटना के बारे में, आप बताइए घटना के। मैडम, अखबार में पढ़ा, वो तो इनका मुझे सहयोग मिल गया, यहाँ पे पहले जो मंदिर बना था पीपल का वृक्ष था और आपका जो है बरगद का वृक्ष था, आम का था, इतने सारे वृक्ष थे, ये सब इन्होंने जो है काट लिए हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, मैं पूर्व पार्षद हूँ नगर निगम से। यहाँ पे ये विवाद जो है अभी 4-6 महीने पहले से स्टार्ट हुआ। ये मंदिर जो है बहुत पुराना मंदिर है, करीब 40-50 साल पुराना, एक नानू सिंह सैनी थे, उसी के नाम से नानू कंपाउंड है। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था अपनी माता जी की स्मृति, उनकी स्मृति के में। तो जब से यहाँ पे लोग, जब से ये मंदिर है, ये शास्त्री नगर का सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ कोई मंदिर नहीं होता था और इस पे यहाँ के आसपास के लोग यहीं पूजा करने आते थे। लेकिन लॉकडाउन से पहले यहाँ पे एक योगेश सैनी नाम का व्यक्ति था, जिसने, यहाँ पुजारी हैं, यहाँ पे महादेव शर्मा हैं, ये बैठे हैं, इन्हें यहाँ से भगा दिया और ये कहा कि मैंने ये ज़मीन ख़रीद ली है और मैं इसे बेचूंगा। इन्हें यहाँ से भगाने के बाद उसने लॉकडाउन में यहाँ दीवारें कर ली ऊँची ऊँची और लॉकडाउन के दौरान ही उसने जो मंदिर की चोटी है, जो बुर्ज थी, उसे उसने ध्वस्त कर दिया, जिसकी वीडियो हमारे पास है मौजूद आज भी, और इसके मंदिर के फोटो बुर्ज सहित। उसके बाद हम लोगों ने, जब यहाँ स्थानीय लोगों ने हमसे शिकायत की, तो हमने 11 अक्टूबर 2020 में उस योगेश के नाम एक FIR दर्ज कराई और DM साहब को, SSP साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको हमने लेटर दिए। लेकिन आज तक, अब से 3-4 दिन पहले तक, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल फर्स्ट बाइट के साथ।